नमस्कार जी, मैं बीटी गोरे। प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होता है कि आपको कितना पानी देना है, आपको कब स्प्रे करना है, आपको किसका स्प्रे लेना है, आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, ये जो पौधा है इसको जो चाहिए वो अगर आप उसको देंगे तो दो चीज़ें होती है। एक तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आपका बहुत कम होगा, और सेकेंड जो मिट्टी अपनी है या जो वातावरण है इसका प्रदूषण नहीं होगा। तो अभी इनका इस्तेमाल अगर आपको प्रिसीजन वे से, मतलब बिल्कुल जो चाहिए वो देना है और जितना चाहिए उतना देना है, जब चाहिए तब देना है, तो इसके लिए एक ऐसा डिवाइस रहेगा जो आपके खेत में रहेगा, जो आपको सोते समय भी बता देगा कि आपका क्रॉप कैसा ग्रो कर रहा है फसल। सिर्फ वेदर स्टेशन नहीं है, सिर्फ हार्डवेयर नहीं है, एक मशीन आपने नहीं लगाया है, इसके अंदर ब्रेन भी है, और वो ब्रेन आपको बताता है आपको कौन सा डिजीज आएगा, कौन सा पेस्ट आएगा, आपको क्या स्प्रे करना है, आपको कब स्प्रे करना है, आपको पानी देना है नहीं देना है, देना है तो कितना देना है, और आपके यहाँ पे आगे 14 दिन तक कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगा। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खासियत मुझे जो अच्छी लगी वो है इरिगेशन मैनेजमेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अनार में बहुत कम पानी लगता है, अनार में बहुत कम पानी लगता है। कम मतलब कितना ये बताता है फसल, क्योंकि इसका एक सेंसर होता है जो एक ऊपर 9 इंच पे लगा होता है और नीचे एक 2.5 फीट पे लगा होता है। दो सेंसर होते हैं, ऊपर वाला आप जब फर्टिगेशन करते हो तो ये बता देता है कि आपको कितना नमी है, फर्टिलाइजर चलाना है, और नीचे वाला जो होता है वो आपको दे देता है आपका पूरा जो राइजोस्फीयर है उसके अंदर कितना मॉइस्चर है। तो कितना पानी चाहिए फसल बताएगा। 8-8 दिन पानी नहीं लगता अनार को, और इस बार जो मैंने हार्वेस्ट लिया इसके हिसाब से ले लिया, जो कि मेरे यहाँ पे डिजीज भी बहुत कम आया और मेरी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई, साइज भी मुझे अच्छी रही। सेकंड होता है कि आपके यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे रहेगी, तो कौन सा डिजीज आएगा ये बताता है। आपके यहाँ पे बैक्टेरियल ब्लाइट आएगा, आपके यहाँ पे एंथ्रेक्नोज आएगा, हर एक डिजीज, हर एक इंसेक्ट का यही होता है कि उसको अगर इंसेक्ट है तो अंडा डालने के लिए कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, डिजीज अगर है तो वो जब आपके खेत में आता है तो वो जर्मिनेट होने के लिए उसको कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, ये इसको पता है क्योंकि ये पूरा डेटा ले लेता है और वो ब्रेन में जाके प्रोसेस करके आपको बताता है कि आपको अभी ये डिजीज आने की संभावना है, आप ये स्प्रे कर लीजिए। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, एक तो जो प्रिवेंटिव केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं उसका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल आपको मिलेगा क्योंकि ये पौधे के अंदर जाएगा, और सेकेंड जो होता है वो होता है कि डिजीज अगर नहीं आएगा, उसके सिम्टम्स अगर नहीं दिखेंगे तो आपका जो भी पत्ते है, फल है, फूल है, ये आपका बच जाएगा, कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, तो क्वालिटी आपकी खराब नहीं होगी। और ये खासियत उसकी और एक है कि जब भी ये बताता है कि ये स्प्रे आपको लेना है, तुरंत उसके साथ में एप्लीकेशन में बता देता है कि ये टाइम आपका स्प्रे के लिए अच्छा है या नहीं है, ये भी बता देता है। तो आपको ये भी पता चलता है कि क्या स्प्रे करना है और कब स्प्रे करना है। ये जो फसल का डिवाइस है इसका मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से सेंसर से इसके अंदर है। सबसे पहले जो ऊपर आपको दो दिखते हैं ये आपका है हवा का सेंसर, एक जो घूमता है वो देगा आपको कि विंड स्पीड आपके यहाँ पे कितना है, तो उसी से ये डिसीजन आपको लेना है मुझे स्प्रे करना है या नहीं करना है। दूसरा जो है वो है डायरेक्शन, आपके यहाँ से कौन से दिशा से कौन से दिशा में हवा आपके यहाँ पे जा रही है, तो स्प्रेइंग करते समय जो भी अपना लेबर है ट्रैक्टर के ऊपर जो बैठता है तो उसके आंख के ऊपर नहीं आना चाहिए, तो वो डायरेक्शन आप वहीं पे फिक्स कर सकते हो। उसके बाद एक सोलर पैनल है, उसी सोलर पैनल से ये चार्ज करता है उसका बैटरी, वापस आपको इसको कोई भी सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद है लीफ वेटनेस सेंसर, मतलब जो भी पत्ते होते हैं ये पत्ते कितने समय तक गीले होते हैं उसके हिसाब से उसके ऊपर कौन सा डिजीज आएगा ये फिक्स होता है। तो आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट, कितने समय आपके पत्ते गीले रहे ये इसी से पता चलेगा। उसके बाद टेम्परेचर का रहेगा, ह्यूमिडिटी का रहेगा, सनलाइट का रहेगा, कितना सनलाइट आपके खेत में है ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कम सनलाइट में आपका पौधा फोटोसिंथेसिस कम करेगा, ज़्यादा सनलाइट में ज़्यादा करेगा, तो वो भी आपको पता चलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इरिगेशन का मुझे जो अच्छा लगा वो है इरिगेशन के सेंसर जो ज़मीन में होते हैं, अंदर होते हैं, और वो उसी को कनेक्ट होते हैं और वो बताते हैं कि आपको पानी देना है या नहीं देना है, या देना है तो कितना देना है, कितने समय तक आपका ड्रिप चलना है। और ये मोबाइल एप्लीकेशन में रहेगा, एक मोबाइल का एप्लीकेशन है, उसी के अंदर आपको ये पूरा का पूरा दिखेगा।
ताकि यहीं पे आके आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, ये पूरा कनेक्ट होता है आपके मोबाइल के साथ में, वहीं पे आपको ये पूरे के पूरे फीचर्स उसके दिखते हैं और उसी से आप डिसीजन ले सकते हो।